दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल का मैच नंबर 54 का कंप्लीट हाईलाइट वीडियो देखने को मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, कमेंट कर देना है कि आज का मैच का सुपर हीरो कौन है। साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की इस खास जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। IPL के 13वें सीजन के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता प्ले ऑफ की रेस में बरकरार है। वहीं राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने राजस्थान को 192 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना पाई। करो या मरो के मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान टीम बड़े मैच का दबाव नहीं झेल सकी। कोलकाता के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने पावर प्ले में ही 4 विकेट लेकर टीम को बिखेर दिया। राजस्थान ने 37 रन पर 5 बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। टीम को शुरुआती 3 झटके कमिंस ने दिया। उन्होंने कप्तान स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया, बेन स्टॉक्स को, विकेटकीपर दिनेश कार्तिक और रॉबिन उथप्पा को कमलेश नागरकोटी के हाथों कैच आउट कराया। राजस्थान का 4वां विकेट शिवम मावी ने लिया। उन्होंने शिवम मावी को कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया। पारी के 5वें ओवर में कमिंस ने रियांश पराग को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। कार्तिक ने पराग का कैच लिया। जोस बटलर 22 बॉल पर 35 और राहुल तेवतिया 27 बॉल पर 31 रन बनाकर पारी को कुछ देर संभाला, लेकिन टीम को जीत दिला नहीं सके। दोनों का विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। बटलर को कमिंस और तेवतिया को कार्तिक ने कैच आउट किया। संजू सैमसन को शिवम मावी ने विकेटकीपर कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया। KKR के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी को 2-2 विकेट मिले। कोलकाता ने 7 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए थे। टीम के कप्तान योन मॉर्गन ने 35 बॉल पर सबसे ज़्यादा 68 रन की पारी खेली। उनकी सीजन में यह पहली और लीग में 5वीं 50 है। उनके अलावा राहुल त्रिपाठी ने 39 और शुभमन गिल ने 36 रन की पारी खेली। आखिर में आंद्रे रसेल ने 11 बॉल पर ताबड़तोड़ 25 रन बनाए। राजस्थान के राहुल तेवतिया ने 4 ओवर में 25 रन देकर सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। इनके अलावा कार्तिक त्यागी को 2 और जोफ्रा आर्चर श्रेयस गोपाल को 1-1 विकेट मिले। KKR की शुरुआत बेहद ख़राब रही थी। टीम ने 1 रन पर ही पहला विकेट गंवा दिया था। नीतीश राणा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद ओपनर सुमन और राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद टीम ने 26 रन के अंदर 1 के बाद 1 4 विकेट गंवा दिए। यहां से मॉर्गन ने रसेल के साथ 45 और पैट कमिंस के साथ 40 रन की पार्टनरशिप कर स्कोर 191 तक पहुंचाया। तेवतिया ने KKR के 3 झटके दिए। उन्होंने दिनेश कार्तिक और सुनील नरेन को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। कार्तिक को स्टीव स्मिथ और नरेन को वेन स्टॉक्स के हाथों कैच आउट कराया। वहीं सुमन गिल भी तेवतिया के बॉल पर जोस बटलर के हाथों कैच आउट हुए। दोस्तों यही था आज का मैच का कंप्लीट हाईलाइट। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें।